राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा। और आप लोग कहीं भी जाते होंगे तो भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति देखने को मिलती होगी, लेकिन जगन्नाथपुरी में आपको भगवान कृष्ण के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्ति देखने को मिलेगी। आखिर इसके पीछे का क्या है कारण और इनकी जो पौराणिक कथा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। द्वारका में श्री कृष्ण एक बार रात में सोते समय अचानक नींद में राधे राधे बोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने जब सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाकी रानियों को भी बताया। सभी रानियां आपस में विचार करने लगी कि भगवान कृष्ण अभी तक राधा को नहीं भूले। सभी रानियां राधा के बारे में चर्चा करने लगी कि माता रोहिणी के पास पहुंची। माता रोहिणी से सभी रानियों ने आग्रह किया कि भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ हुई रसात्मक रास लीला के बारे में बताएं। पहले तो माता रोहिणी ने टालना चाहा, लेकिन महारानियों के हट करने पर कहा, ठीक है सुनो, सुभद्रा को पहले पहरे पर बिठा दो, कोई अंदर ना आने पाए, भले ही बलराम या श्री कृष्ण ही क्यों न हो। माता रोहिणी भगवान श्री कृष्ण की रसात्मक रासलीला की कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण और बलराम अचानक महल की ओर आते दिखाई दिए। सुभद्रा ने उचित कारण बताकर दरवाजे पर ही रोक लिया। महल के अंदर से श्री कृष्ण और राधा की रासलीला की कथा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही सुनाई दे रही थी। उसको सुनने से श्री कृष्ण और बलराम के अंग अंग में अद्वितीय प्रेम रस का उद्भव होने लगा। साथ ही सुभद्रा भी भाव विहल होने लगी। तीनों को ऐसी अवस्था हो गई कि पूरे ध्यान से देखने पर भी किसी के भी हाथ पैर आदि स्पष्ट नहीं दिखते थे। अचानक देव ऋषि नारद वहां आ गए। तब तीनों पूर्ण चेतना में वापस लौटे। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तीनों जिस महाभाव में लीन मूर्ति स्थित रूप में मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित रहें। महाप्रभु ने तथास्तु कह दिया। कहते हैं भगवान कृष्ण बलराम सुभद्रा जी का वही स्वरूप आज भी जगन्नाथपुरी में है। उसे स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इसकी भी एक कथा है। राजा इंद्रुमन नीलांचल सागर वर्तमान के उड़ीसा राज्य में निवास करते थे। एक बार राजा को समुद्र में एक विशाल काय लकड़ी दिखाई थी। राजा ने उससे विष्णु मूर्ति का निर्माण कराने का निश्चय ही किया। अच्छे बढ़ई की तलाश शुरू की। तब वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए और अपना हुनर राजा के सामने पेश किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त रखी कि मैं जिस घर में मूर्ति बनाऊंगा उसमें मूर्ति के पूर्ण रूपेण बन जाने तक कोई ना आए। राजा ने इसे मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मूर्ति निर्माण में लग गए। कई दिन तक घर का द्वार बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए वो बढ़ी कैसे काम कर सकेगा, अब तक वह जीवित भी होगा या मर गया होगा। महारानी ने राजा से अपने मन की बात कही। राजा को भी महारानी की बात ठीक लगी और द्वार खोलने के आदेश राजा ने दे दिए। लेकिन जैसे ही द्वार खोला गया वहाँ वो बूढ़ा बढ़ी नहीं था, लेकिन उसके द्वारा अधिनिर्मित श्री जगन्नाथ सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियाँ वहाँ पर मिली। महाराज और महारानी दुखी थे कि काश ये मूर्तियाँ पूरी बन गई होती, लेकिन उसी क्षण दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को स्थापित करवा दो। आज भी वे अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियाँ जगन्नाथ मंदिर में सुशोभित हैं। कहते हैं माता सुभद्रा जी ने एक बार द्वारिका भ्रमण की इच्छा अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के सामने रखी थी। तब श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ
में बैठकर बहन को द्वारिका घुमाया था, तभी से रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ जनता के बीच जाते हैं और भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हाथों से रथ को खींचते हैं और गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव के दौरान हर साल भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है और जय जगन्नाथ स्वामी का पवित्र नाद संपूर्ण क्षेत्र में गूंजता है।